नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। गौराया में नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कार सरिये से भरे ट्रक के पीछे जा टकराई, 5 लोग हुए घायल। जालंधर के रेलवे स्टेशन पर हुल्लड़बाजी कर रहे युवकों की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ी, एक बच्ची बुरी तरह से हुई घायल। और अब हलचल विस्तार से। गौराया में नेशनल हाईवे 44 पर हुए एक सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसआई हरभजन गिल ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब उन्हें सूचना मिली थी कि कमालपुर गेट के नजदीक जालंधर से लुधियाना जा रहे सरिये से भरे ट्रक के पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी टकरा गई है, जिसमें 5 लोग सवार थे जो घायल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी तेज रफ्तार थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के दोनों एयरबैग खुल गए। गाड़ी सवार घायलों की कड़ी मुशक्कत से गाड़ी से बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस की मदद से डीएमसी अस्पताल लुधियाना में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। स्कॉर्पियो एक्सीडेंट हुआ सी, 5 जाने सी उस विच, ते ग्रैंड दे बाहर निकल के निकलदे सारी जिथों तक सुनन च आया ट्रक नाल लगी है। ठीक है, ट्रक दे मगर लगी है गड्डी। जी जी, हां जी। की लगा, किन्ने इंजर्ड होया? इंजर्ड 5 जाने आ, 2 जा एक जाने नु थोड़ी घट चोट आ। हां जी, बाकी जेडे तीन नु थोड़े सीरियस हेड इंजरी आ। ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਕਰੀਬ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, 2 ਉਹਦੇ ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जालंधर के रेलवे स्टेशन पर सुबह 5 बजे के करीब कुछ युवक हुल्लड़बाजी कर रहे थे, कि इस दौरान युवकों की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई, जिस कारण फुटपाथ पर बैठे लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। इस घटना में एक छोटी बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु जालंधर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लुधियाना में आयोजित पुरस्कार वितरण और स्कॉलरशिप वितरण समारोह में विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेरिटोरियस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वोकेशनल सहित अलग अलग विषयों में स्कॉलरशिप वितरित की। समागम को संबोधित करते हुए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जीवन चरित्र की महत्ता पर विशेष बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों सहित सभी लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करने की जरूरत है। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। राकेश जी मित्तल, प्रेसिडेंट नेहरू सिद्धांत शर्मा, IPS Commissioner of Police Ludhiana, Mrs. Surbhi Malik, Deputy Commissioner Ludhiana, to be here to felicitate winners of Satpal Mitra National Awards and to commemorate our national building achievements on the 133rd birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who led the foundation of a modern India. I would like to thank Sri Rakesh Mittal for extending the invitation to me. Lot of their literature and everything. And I tell you, Tamil poet Bhartiya, who wrote, and I quote here,
which is more versus more versus to educate a child than to build a 1,000 temples or set up thousands of feeding centers. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हुए चुनावों के बाद हरजिंदर सिंह धामी फिर से प्रधान बन गए हैं। इस वोटिंग प्रक्रिया में एडवोकेट धामी को 104 और बीबी जागीर कौर को 42 वोटें हासिल हुई। इस दौरान मौजूदा एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट धामी ने बीबी जागीर कौर को हराकर बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद बीबी जागीर कौर द्वारा हरजिंदर सिंह धामी को बधाई भी दी गई। इसके बाद अन्य पदाधिकारियों के भी चुनाव किए गए, जिसमें अवतार सिंह फतेहगढ़ साहिब को जूनियर उप प्रधान, गुरुचरण सिंह गरेवाल को जनरल सचिव और बलदेव सिंह कायमपुर को वरिष्ठ उप प्रधान चुना गया है। सिख पंथ दी आज गुरु साहब जी दी कृपा दे बख्शिश समुचे हाउस दे मेंबर साहिबान उन्हां सारयां दी जित होई आ और 104 वोटां बोले बीबी जगीर कौर नूं पईआं। सो मुकाबले तां भावें हर साल ही हुंदे सी, पर अज दा जिहड़ा इह मुकाबला सी इह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सिद्धी चुनौती सी। समुचे मैंबर साहिबान दा दिल दीआं डगिआईआं तों धन्नवाद करदा जिन्हां ने दास नूं इह नवाजिआ वोटां पा के। श्रोमणी अकाली दल दी समुची सीनियर लीडरशिप के सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का भी धन्यवाद करदा जिन्होंने मेरे ते यकीन करके 6-7 दिन पहला मैनू कैंडीडेट ऐलानिया सीगा, उन्हां दा भी धन्यवाद करदा। संगरूर में लीगल सर्विस डे के अवसर पर एक निजी कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन की ओर से एक मेगा लीगल सर्विसेज कैंप लगाया गया, जिसमें आए हुए लोगों को निशुल्क लीगल सर्विसेज की जानकारी दी गई ताकि लोग इन सर्विसेज का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस दौरान अलग अलग सरकारी विभागों से 22 कैंप लगाए गए, जिसमें आम लोगों को मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर SDM संगरूर नवरीत कौर शेंखो ने बताया कि सरकार की कई ऐसी स्कीमें हैं जिनका आम लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर आम लोगों को इन स्कीमों की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान प्रशासन की ओर से कई बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन के सर्टिफिकेट भी बांटे गए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 9 नवंबर नू क्योंकि जिहड़ा इस संबंधी कानून अपने बनिया सीगा 1987 वाला, अज दे दिन वो इंप्लीमेंट होया सी। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ 22 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ, ਕੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DLSA ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ DLSA ਵੱਲੋਂ 22 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਸ ਨੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਵੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਡਰੈਸਲ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ।
होशियारपुर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर एंड ब्लड डोनर्स क्लब कड़ियाना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप दिनकर कपिला ने अपने स्वर्गीय पिता प्रेमपाल की याद में लगाया। इस दौरान उन्होंने खुद भी रक्तदान किया और उनके साथ राजीव सैनी ने भी रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया बिट्टू, अश्वनी गेंद, यशपाल शर्मा और संजू अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद ने कहा कि खून दान एक महान दान है। यह दान किसी को नया जीवन दे सकता है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त की कमी को रक्तदान के साथ ही पूरा किया जा सकता है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। जय श्री राम। सबनों मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी के संयोग के नाल अज अपने पिता की याद बरसी सी ते पहली डैथ बरसी उसकी याद के उन्हों की खूनदान कैंप लगवाया है जो कि खूनदान एक महादान है। इस व्यवस्था विच गरीब संस्था लई जो कि लोग गरीब है उन्होंने खून की रक्तदान की बहुत ही लोड़ है, बहुत ही जरूरत पैंदी है। हॉस्पिटल च बहुत सिविल हॉस्पिटल इस चीज़ की मैं देखिया हालात देखते कि बहुत खून की जरूरत है। यह दान खूनदान एक महादान है। पिता की याद में यह समर्पित ले कैंप लगाया है। पंजाब सरकार द्वारा किसानों को सख्त हिदायतें जारी की गई हैं कि वह पराली के अवशेषों को आग ना लगाएं, पर पंजाब में पराली को आग लगाई जा रही है जिसका असर नाभा शहर में आम देखने को मिला, जहां लगभग शाम 5 बजे ही पराली के धुएं के कारण शहर में अंधेरा छा गया जिस कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोग अपने वाहनों की लाइटें जलाकर धुएं से बचते हुए नजर आए। शहरवासियों का कहना था कि किसान पराली को आग ना लगाएं क्योंकि इससे जहां दिन में अंधेरा हो जाता है वहीं कई प्रकार की बीमारियां भी इस धुएं की वजह से फैलती हैं। से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जे सवा पांच साढ़े पांच होता टाइम होया क्योंकि ऐ लग रहा है जिवें 7:30-8 बज चुके ने क्योंकि प्रदूषण ते धुआं इन्ना बहुत ज़्यादा है, हर एक बंदे नूं लंघना चलना बहुत औखा हो रहा है। असीं सेंटर सरकार और पंजाब सरकार तो मंग करदे आ कि किसानां दा कोई हल करन, पराली दा हल करन ताँ कि इह प्रदूषण तो असीं बच सकीए। देखो इहदे विच नो डाउट आ, देखो जो पहलां अग लगदी जी पूरे पराली नूं लगदी थी, पराली नूं वढ़दे सी फिर अग लगदी सी। देखो इहदे नो डाउट घटिया हूँ, सिर्फ जी पराली के उपर गुद्दा हों अग लगती है, पर फिर भी देख लो तुम धूं तो धूं हों तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बेनती ही है भी किसानों तो हो सके तो बचा रखो तो पराली अग ना आने जाने तो देखो मेरा पिंड इतों 10 किलोमीटर दूर, मैनू इस तरह मैं कल भी गया तो अज भी जाऊँगा, ऐ लग रहा मैं पूरी धुंद जाना हूं मैं दिसंबर जनवरी वाली च। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में जालंधर के गुरुद्वारा दीवान स्थान सेंट्रल टाउन में कीर्तन दरबार करवाया गया जिसमें बच्चों से सिख धर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए जिसका बच्चों ने मर्यादा अनुसार जवाब दिया। तो वहीं बच्चों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सुशोभित श्लोक गुरुओं की वाणी से संबंधित भी प्रचार प्रसार किया जिसके उपरांत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने गुरु महिमा का गुणगान कर वातावरण को गुरुमय बना दिया। इस मौके पर आतिशबाजी कर उपस्थित संगतों ने अपनी खुशी का इजहार किया और परमात्मा से प्रार्थना की कि यह खुशियां इसी तरह से बरकरार रहें। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट।
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दीवान सजाए गए, जिसमें प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस अवसर पर NRI सूबा सिंह ने अपना विशेष योगदान दिया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जोगिंदर सिंह, डिम्पी वालिया, सचिव सतेंद्र मिंटू सोडी, गुरचरण सिंह टक्कर, सतपाल सिंह बेदी, हरप्रीत सिंह भसीन, सविंद्र वीरू ने आए हुए कीर्तनी जत्थों और गणमान्य लोगों को सिरोपा साहिब देकर सम्मानित भी किया। अंत में गुरु का अतुट लंगर भी वरताया गया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सत गुरु नानक प्रगटिया मिठी तुलजल चरण हुआ। साहब श्री गुरु नानक देव जी के शुभ प्रकाश उत्सव के संबंध में जिथे कि जलंधर छोड़ी के पिछले कई दिनों तो समागम कर रहे हैं, कल नगर कीर्तन निकल रहे हैं, अज सवेर तो ही दीवान सज रहे हैं। मैं अपने वालों अपनी समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान सरदार जोगिंदर सिंह जी टीटू वालों अपने परिवार वालों समूह देशवासियों नानक नाम लख लख साहब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाही शुभ प्रकाश पुरब की खुशी में जलंधर छोड़ी विखे गुरुद्वारा सिंह सभा विखे विशाल नगर कीर्तन, विशाल प्रभात फेरिया, विशाल कीर्तन दरबार सजाए गए, जिद संगतान ने बहुत अपना सहयोग दिता। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर छोड़ी की समूह प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार जोगिंदर सिंह जी टक्कर, सरदार चरणजीत जी चड्ढा साबका प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा, उन्होंने सारे वालों समूह प्रबंधक कमेटी वालों समूह इलाका निवासियों बधाइया बधाइया बधाइया, गुरसिखा मन बधाइया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के संबंध में अज गुरद्वारा सिंह सभा जलंधर छावनी विखे महान विशाल दरबार सजाए गए, जिस विच उच्च कोटि के रागी जथियां ने गुरबाणी नाल जोड़िया। सो समूह साध संगत का मैं तहे दिलों धन्यवाद करदा जिन्हां ने नगर कीर्तन विच स्टाल लगाए अते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त कीतीआं, संजोग दिता समूह साध संगत का जिन्हां ने भी वध चढ़ के माया दिती है, उन्हां सारिआं दा तहे दिलों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों धन्यवाद है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बाजार शेखा अली मोहल्ला जालंधर में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी का भोग डाला गया, जिसके पश्चात पंथ प्रसिद्ध रागी व हजूरी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर जत्थेदार दलजीत सिंह क्रिस्टल, वरिंद्र सिंह बिंद्रा, महेंद्र सिंह अरनेजा, हरनीत सिंह, मनप्रीत सिंह, नवजोत सिंह, दमनजीत सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और दशमेश सिंह सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में आई हुई संगतों में गुरु का अटूट लंगर भी वरताया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। गौराया में नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कार सरिये से भरे ट्रक के पीछे जा टकराई, 5 लोग हुए घायल। जालंधर के रेलवे स्टेशन पर हुल्लड़बाजी कर रहे युवकों की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ी, एक बच्ची बुरी तरह से हुई घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।